Day 22 of 30 days weight loss program. Namaste everyone. Welcome to our channel Virendra Strength Yoga. My name is Virendra Kumar. तो आज है हमारा Day 22, 30 दिन का ये वेट लॉस सीरीज है जिसमें आपका 5 से 10 किलो वजन कम हो सकता है अगर आप हमारे द्वारा बताए गए योगासन, प्राणायाम और योगिक डाइट को फॉलो करेंगे। तो जो लोग अभी आज हमें पहली बार देख रहे हैं तो वो Day 1 से शुरू करिए। सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और एक एक करके एक एक दिन की मैंने डाइट भी बताई हुई है, प्राणायाम और आसन बताए हुए हैं। आज जो है Day 22 का वीडियो हम फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारी आगे सीरीज लाने वाले हैं। तो Day 22 में अब हमें सबसे पहले तो क्या जॉइंट ओपनिंग करना है। जॉइंट ओपनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से करते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है सूक्ष्म व्यायाम की, वो फॉलो करें। उसके बाद थोड़ा सा जॉगिंग करें। तो Day 22 अभी हमारा थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस तरह से 2 से 3 मिनट इस तरह जॉगिंग करते रहे। शरीर में वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह स्किपिंग कर लें थोड़ा थोड़ा इस तरह से, फिर जंपिंग जैक करिए 2 से 3 मिनट इस तरह करते रहें जितनी देर हो सकता है। आप टाइमर लगाइए, 1 मिनट लगातार करिए इस तरह, ठीक है। अगर 1 मिनट नहीं कर सकते तो 30 सेकेंड करिए, थोड़ा रुक के वॉक करो, फिर दोबारा सेम इस तरह से करिए, फिर थोड़ा वॉक करें, फिर से 1 मिनट करिए। तो 3 मिनट कम से कम इसको आप कर लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को मिला के इंटरलॉक करें फिंगर्स, स्ट्रेच अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप एंड होल्ड, रुकिए 5 4 3 2 1, एक्सहेल डाउन। अब थोड़े पैर खोलिए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ के राइट, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के दूसरी साइड, फिर ऊपर दूसरी साइड, इनहेल एक्सहेल साथ साथ करते रहें। तो यहाँ से ये पहली एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल साथ साथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल आप दोनों हाथ नीचे, पाम फेसिंग ईच अदर, गो बैक, और सांस छोड़ के नीचे जाओ जितना नीचे आप जा सकते हैं, पेट अंदर, सांस छोड़ें थोड़ा और नीचे जाएं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, एक बार फिर से, पाम फेसिंग ईच अदर, कम अप एंड गो बैक, 5 4 3 2 1, फिर से नीचे जाइए जितना नीचे आप जा सकते हैं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, नाउ इनहेल अप, एक्सहेल दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। तो आज हमारा Day 22 पे हम पहले तो करेंगे सूर्य नमस्कार। कितने सूर्य नमस्कार करने हैं मेरे साथ साथ करिए। हम करेंगे 20 सूर्य नमस्कार सबसे पहले, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ 20 सूर्य नमस्कार हम शुरू कर रहे हैं। आप आ जाइए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे, सांस भर के राइट लेग बैक, सांस छोड़ के दोनों पैर पीछे, फिर घुटने नीचे, चेस्ट इन, इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, राइट लेग आगे, एक्सहेल दोनों पैर आगे, इनहेल अप, एक्सहेल नमस्कार, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल लेफ्ट लेग बैक, एक्सहेल बोथ लेग्स बैक, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, लेफ्ट लेग आगे, एक्सहेल बोथ लेग्स आगे, इनहेल अप, नमस्कार। 2 हो गए, मैं 10 करके दिखाऊंगा, आप दोबारा से चला लेना, ठीक है। एक बार फिर से नमस्कार, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट लेग बैक, एक्सहेल बोथ लेग्स बैक, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, कोबरा माउंटेन, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, साथ साथ करो, इसीलिए कर रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं बोल भी सकता था जिससे आप साथ साथ कर पाए। इनहेल अप, एक्सहेल नमस्कार, फिर से आप, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट लेग पीछे, दोनों पैर पीछे, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, लेफ्ट लेग आगे, दोनों पैर आगे, इनहेल अप, एक्सहेल नमस्कार, 4, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट लेग, एक्सहेल दोनों पैर, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन, कोबरा माउंटेन, राइट लेग, लेफ्ट लेग, इनहेल अप, एक्सहेल नमस्कार, फिर से आप, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट लेग बैक, दोनों पैर पीछे, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन,
इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, लेफ्ट लेग आगे, दोनों पैर आगे, इनहेल अप, नमस्कार, छह हो गए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट लेग बैक, एक्सहेल बोथ लेग्स बैक, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, इनहेल अप, नमस्कार, अप डाउन, लेफ्ट लेग, दोनों पैर पीछे, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, इनहेल लेफ्ट लेग आगे, एक्सहेल बोथ लेग्स आगे, इनहेल अप, नमस्कार, एट, टू मोर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट लेग बैक, एक्सहेल बोथ लेग्स बैक, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, राइट लेग आगे, दोनों पैर आगे, इनहेल अप, नमस्कार, नाइन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट लेग बैक, टेक योर बोथ लेग्स बैक, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेल कोबरा, एक्सहेल माउंटेन, लेफ्ट लेग आगे, फिर दोनों पैर आगे, इनहेल अप, एक्सहेल, नमस्कार, टेन, दस ही कर लीजिए, ठीक है, यहाँ करिए, साथ साथ करना है, फिर दोबारा जब दूसरे सेट में करेंगे तब सूर्य नमस्कार से शुरू करना, तो यहाँ तक पहुँच गए, अब इसके बाद साथ साथ करते रहो, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे, जंप बैक, माउंटेन पोज, रुको, 5, 4, 3, 2, 1, राइट लेग अप, 5, 4, 3, 2, 1, अब ये राइट लेग, राइट हैंड के बाहर और अपना सर नीचे लगा दो, 5, एल्बो नीचे लगा के, 4, सामने से दिखा दो, देखो ये ऐसे थे, ये पैर आगे लाए, एल्बो नीचे, हेड डाउन, 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर आओ, माउंटेन में जाओ, पर्वतासन, अब दूसरा पैर आगे लाओ, हेड डाउन, एल्बो नीचे लगा के, 5, 4, 3, 2, 1, अप माउंटेन, लेफ्ट लेग अप, और रुक जाइए थोड़ी देर, लेफ्ट लेग अप, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, लेफ्ट हैंड के बाहर, फिर से हेड डाउन, 5, 4, 3, 2, 1, अप माउंटेन, दूसरा पैर ऊपर लाके, राइट हैंड के बाहर, डाउन अप, रुकिए थोड़ी देर, माउंटेन में, अब यहीं से टेक योर एल्बोज डाउन, इस तरह स्ट्रेच योर शोल्डर्स, अब यहीं से नीचे आइए, सामने देखिए, ये इनहेल है, ठीक है, अब यहीं से देखो, एल्बो जितना नी के पास हो, यहीं से चलो, ये ऐसे हैं, ठीक है जी, पंजे अंदर, एक्सहेल, घुटने ऊपर, और इनहेल डाउन, 1, अप, 2, अप, 3, अप, 4, अप, 5, अब यहीं से आगे लेट जाओ, थोड़ी देर रिलैक्स करो, ठीक है जी, साथ साथ रिलैक्स भी करते रहना है, इस तरह रिलैक्स करते रहें, चलें अब यहीं से दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, इनहेल अप कोबरा, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1, अप, 2, अप, 3, अप, 4, अप, होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1, पंजे अंदर, गो टू माउंटेन पोज, स्ट्रेच, 5, 4, 3, 2, 1, अब यहां से सामने देखिए, घुटने नीचे, इस तरह, ठीक है, थोड़ा आगे जाइए और वज्रासन में बैठ जाइए,
अब दोनों हाथ अपने घुटनों के दोनों साइड, ठीक है जी। एक्सहेल करके आपको लिफ्ट योर नीज, आप टोस पे आना है पूरा। एक्सहेल आप डाउन, वन अप टू अप थ्री, हाथों पे वेट रहे, हाथ ऊपर नहीं उठने चाहिए, ठीक है। अप फोर, साथ साथ चलो, अप फाइव, अप सिक्स, अप सेवन, अप एट, अप नाइन, अप एंड होल्ड, फाइव फोर थ्री टू एंड डाउन, रिलैक्स। थोड़ा सा कंधों को रिलैक्स करें इस तरह, ठीक है जी। अब यहीं से दोनों हाथ आगे रखिए और आगे लेट जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स कर लो। यहीं से दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, इनहेल कम अप टू कोबरा पोज, एक्सहेल माउंटेन पोज, इनहेल अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, साथ साथ करिए, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहीं से जंप करके दोनों पैर दोनों हाथों के बाहर लाने हैं, ये ऐसे सामने से दिखाऊं, देखो माउंटेन में थे और जंप करके आगे आगे इस तरह, ठीक है। अब यहीं से दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ो, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, पकड़े पकड़े अप डाउन, मेक श्योर आपकी जो एल्बो है घुटनों के अंदर रहे, बाहर से ऐसे नहीं पकड़ना, ठीक है। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, थ्री अप, फोर अप, फाइव अप, सिक्स अप, सेवन अप, एट अप, नाइन अप, टेन। नीचे दोनों हाथों से नी को बाहर प्रेस करो, नमस्कार मुद्रा, फाइव फोर थ्री टू वन, दोनों हाथ नीचे कम अप, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ कमर पे रखिए, थोड़े पैर और खोलिए। अब यहीं से सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे, एंड टेक योर हेड डाउन, फाइव। जो लोग सर नीचे लगा सकते हैं लगा दो, जो नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, वो यहां से दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह पकड़ सकते हो, पकड़ लो, फोर थ्री टू वन, सामने देखिए। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड अप, ये इस तरह, फाइव फोर थ्री टू वन, चेंज, फाइव फोर थ्री टू वन, कीप चेंजिंग, है ना, चलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। अब यहीं से दोनों हाथ नीचे रखिए और दोनों पैर अंदर इस तरह बैठ जाइए, ठीक है, समझ में आ गया ना, इस तरह बैठना है। जीभ बाहर निकालिए और थोड़ा आपको जिस तरह से डॉगी करता है ना उस तरह से करना है, जीभ निकाला, एल्बो स्ट्रेट, थर्ड आई सेंटर पे देखिए, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहीं से मंकी जंप करना है, लास्ट व्यायाम आज के लिए,
ये एक सेट होगा, दूसरा सेट आपको दोबारा से करना है सूर्य नमस्कार से लेके, है ना। ऐसा मत सोचो इतनी जल्दी पीछा छूट जाएगा, वजन कम कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता वजन कम करना, है ना, कि आराम आराम से बिस्तर में लेट रहे और वजन कम हो जाए, या कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए, कोई जड़ी बूटी नहीं होती इस तरह की, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, करत करत अभ्यास थे जरमति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर परत निशान। ठीक है जी, ये समझिए आप। अब बोल तो दिया मैंने, अब समझ में कैसे आएगा, पहले मंकी जंप करके दिखाता हूँ। ये ऐसे बैठे हुए हैं माउंटेन आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10 करने हैं। देखो मैं पीछे दिखाता हूँ फिर से, पीछे गए 6, ऐसे मंकी करते हैं ना, पीछे 8, 9, 10 आगे आइए और यहीं से आप पीछे बैठ जाइए, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार से लेके यहाँ मंकी जंप तक, तो 10 सूर्य नमस्कार किए थे ना, फिर से 10 सूर्य नमस्कार करिए और यहाँ तक करिए शुरुआत से। इस वीडियो को दोबारा चलाइए, 2 बार कम से कम करनी है, जो लोग 3 बार कर सकते हैं वो 3 बार कर लो। ठीक है, तो ये आज का Day 22 के योगासन हो गए। ठीक है, ये 3 बार करने के बाद फिर आज हमें शक्ति क्रिया से शुरुआत करनी है। ठीक है, शक्ति क्रिया में हमें क्या करना है आप ये समझिए। शक्ति क्रिया में सीधे बैठ जाइए, प्राणायाम, प्राणायाम भी छोड़ने नहीं है किसी को। ठीक है, ये तो जरूर करना है, ये शक्ति क्रिया हमारी बताई, हमारी बनाई हुई है। शक्ति क्रिया को क्या करेंगे, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया और 30 सेकंड लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करना है फास्ट फास्ट। थर्टी टाइम लेफ्ट से कर दिया, अब 30 टाइम राइट से करना है, तो लेफ्ट को बंद करो, तीस बार राइट से किया, अब 3 बार डीप ब्रीदिंग करो, 5 काउंट तक इनहेल, 5 काउंट तक एक्सहेल, कैसे, चलो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5 ये 1 राउंड हो गया इसका, कितने सेट में करनी है मैं बता दूंगा। तो ये लेफ्ट से 25 बार इनहेल एक्सहेल, फिर राइट से 25 बार इनहेल एक्सहेल, फिर 3 बार इनहेल एंड एक्सहेल डीप, ये 1 सेट हुआ, इसके 3 सेट कर लो। ठीक, ये तो हुआ नंबर 1 शक्ति क्रिया का पहला प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस, दोनों नोस्ट्रल से सेम यही करना है। ठीक है, 25 से 30 बार जितना आपकी कैपेसिटी है इनहेल एक्सहेल फास्ट फास्ट, कैसे, ये क्या, उसके बाद 3 बार डीप ब्रीदिंग, 1, 2, 3, 4, 5 ये इनहेल हुआ, एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5 फिर से इनहेल 1, 2, 3, 4, 5 फिर से एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5 फिर से इनहेल 1, 2, 3, 4, 5 फिर से एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5 ये हुआ दूसरा प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस क्या था, लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल 25, राइट से इनहेल एक्सहेल 25, फिर दोनों नोस्ट्रिल से 3 बार डीप इनहेल एक्सहेल, ये फर्स्ट प्रोसेस, इसको 3 बार रिपीट करें। दूसरा प्रोसेस, दोनों नोस्ट्रिल से फास्ट फास्ट इनहेल एक्सहेल 25 से 30 बार, फिर 3 बार डीप ब्रीदिंग, ये दूसरा प्रोसेस। इस दूसरे प्रोसेस को भी आप 3 बार रिपीट करें, कैसे, ये करें 25 से 3 बार और फिर 3 बार डीप ब्रीदिंग, फिर दोबारा से 25 से 30 बार इसको करें, फिर 3 बार डीप ब्रीदिंग, और उसके बाद आपको 3 बार या 30 सेकंड से लेके 1 मिनट लगातार ओम का उच्चारण करना है।
ठीक है। ये ओम का उच्चारण करें और फिर पीछे लेट जाएं 5 मिनट के लिए। तो आसन हुए, प्राणायाम हुए, और डाइट 21 डे पे भी आपको नॉर्मल अपनी सिंपल डाइट रखनी है, जो मैंने डोंट्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, हर वीडियो में बता रहा हूँ, आज भी याद दिला देता हूँ। नमकीन, बिस्किट पूरी तरह से बंद, डब्बा बंद, चीज़ें पूरी तरह से बंद, और प्रोसेस्ड फूड कुछ नहीं खाना है आपको। वाइट शुगर की जगह आप मिश्री धागे वाली या गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। खाना कम से कम आधा घंटे में खाएंगे, और ठंडा पानी नहीं पीना है। खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है जी, ठीक है। और चाय कम से कम कर लीजिए, और जो मैं खाना बता रहा हूँ इसी तरह से खाइए। बहुत खिलाता हूँ मैं आपको, कैसे सुबह सुबह जब आप सो के उठ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नींबू पानी पीना है। अब आप 2 गिलास पानी गर्म करें, उसमें 1 नींबू मिला लीजिए, काला नमक मिला लीजिए, और उसको उखड़ू बैठ के इस तरह पी लीजिए, ये पी लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप फ्रेश हो जाएंगे थोड़ी देर में ही, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद ये योगासन की सीरीज़ करिए। उसके बाद अपने स्प्राउट्स जो हम डेली कर रहे हैं, स्प्राउट्स खाइएगा। स्प्राउट्स में आपको मूंग, चना, और उसी में आपको मिलाने हैं 5 बादाम, 1 अखरोट, 10 किशमिश, और 5 आपको डालने हैं छुआरे नहीं डालने, काजू, काजू डालने हैं, ठीक है। वो एक दिन पहले भिगो के रखते हैं, तो रोज़ाना भिगो के रखिए आप, और अगले दिन इस अभ्यास के बाद उसमें चाहो तो आप थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए एक, है ना, और खीरा डाल दिए, ककड़ी डालने, टमाटर भी डाल लो, और उसमें काला नमक डाल के जब खाएंगे आप, ओह मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो खा लीजिए, उसके बाद आपका पेट भर जाएगा। फिर आप 10:30 बजे के आसपास आपको फिर कुछ दो हमें खाने के लिए, तो आप फ्रूट्स खाइए, जो भी फ्रूट्स आपके पास हैं। देखिए कितना हेल्दी लाइफस्टाइल हो चुका है, इस तरह से खा के आपका पूरा, आप पूरी तरह से लाइफ चेंज हो रही है आपकी। अब उसके बाद फ्रूट्स के बाद फिर आप अपना ऑफिस ऑफिस का जैसे भी होगा जाना करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना 12:30 बजे अपना करेंगे आप लंच। लंच में मैं आपको रोज़ाना बता रहा हूँ, यही तरीका होना चाहिए आपका लंच खाने का, कि एक प्लेट में आप रखिए सैलड अच्छी सारी, खीरा, ककड़ी, टमाटर, और मूली, गाजर, चुकंदर, जो भी आप मिलाना चाहते हो मिला लीजिए, और आधा किलो कम से कम ये हो जाए सब कुछ मिला के। उसमें 1 नींबू मिलाइए, नींबू मिलाया, होगा काला नमक और काली मिर्च। हाँ देखो अभी जीभ में, मुंह में पानी आने लगा मेरे, तो ये नाम लेते लेते पहले इस प्लेट को खाली कर लो, ये पूरा भर के खाली कर लिया। उसके बाद फिर आपका आया है खाना, जो खाना आप खाते हो, खाना क्या खाएंगे आप, खाने में आप जो घर पे बनाए, एक कटोरा भर के दाल लीजिए, सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए, प्रोटीन की कमी पूरी हो। एक छोटी बाउल में चावल लीजिए, एक रोटी लीजिए, है ना, मिस्सी रोटी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक। एक सब्ज़ी लीजिए जो घर पे सब्ज़ी बनी है, और अचार भी लीजिए थोड़ा सा। तो पहले तो आपने ये अपना सैलेड वाला खा लिया, फिर ये अपना लंच कर लिया। उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं धीरे धीरे गए, ये पेट भर जाएगा आपका बहुत बढ़िया। और खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पानी पीना है, बीच में नहीं पीना। उसके बाद हम आप पहुँच गए हम लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास आप एक अपना पेय बनाइए, हर्बल पेय अगर आप बना सकते हो, तो जैसे एक गिलास गर्म पानी रखा, उसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल दी, उसमें थोड़ी सी लौंग डाल दी, उसमें थोड़ा सा हल्का नींबू डाल लिया, और उसमें एक मिश्री का छोटा सा मिश्री डाल ली, ठीक है, उसको पीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है। उसको उबाल लेना है बढ़िया करके, और उसको पीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बीच बीच में आप अपने हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स जब भी आपको भूख लगे, या आप फ्रूट का जूस पी सकते हो बीच बीच में जब भी आपको मन करे। और फिर 5:30 बजे के आसपास आप वेजिटेबल सूप ले लीजिए, फुल वेजिटेबल सूप ले लीजिए। अगर वेजिटेबल सूप नहीं ले सकते तो कोई भी लिक्विड ले लो, छाछ या कुछ भी वो ले लीजिए। और फिर रात को 8 बजे के आसपास आपको 8 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लेना है। डिनर में आप क्या ले सकते हैं, पहले तो आप सब्ज़ी लीजिए करें, बहुत सारी सब्ज़ी लें भर के, एकदम घर पे जो बनी हुई हो, शुद्ध सात्विक सब्ज़ी लीजिए,
लौकी तोरी जो भी आप बनाते हो, और उसको एक या दो रोटी के साथ आप खा लीजिए, ठीक है। खुराक कम करिए, सब्जी ज़्यादा खाइए, रोटी कम खाइए, मिस्सी रोटी हो तो बहुत बढ़िया। तो ये हुआ आपका डे 22 का डाइट। तो आपको डाइट भी पता चल गया, आसन प्राणायाम। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करते रहिए, ज़रूर ज़रूर कमेंट करें प्लीज़। और जिन लोगों का वज़न कम हुआ है, काफ़ी लोगों का काफ़ी वज़न कम हुआ हुआ आज तक अगर आपने डे 1 से फॉलो किया है तो नीचे कमेंट में लिखिए कितना वज़न कम हुआ है। मोटिवेट अदर्स, मोटिवेट अस, जिससे हम और नई नई सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आएँ। और शेयर करिए इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हेल्प अस टू स्प्रेड दिस लव एंड हेल्थ टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।